आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट का केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मैरीगोल्ड का एक बिस्किट लिया है और दो मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। आप चाहे तो आपके पास जो भी बिस्किट है घर में उससे भी ये केक बना सकते हैं आसानी से। तो मैं शुरू करती हूँ। तो पहले मैं बिस्किट को फाड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट को फाड़ कर निकाल लिया है और मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसे मिक्सी में डालकर और बिल्कुल ही पीस लूंगी। छोटे टुकड़े होने पर यह आसानी से पिसा भी जाता है और इसे हमें चालने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट का निकाल लिया है, रख दिया है। अब मैं मिक्सी में इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है बिस्किट को बिल्कुल ही महीन। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल ही मैंने महीन पीसा है। इसे हमें चालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब हम इसमें आधा कटोरी चीनी डालेंगे। बिस्किट मीठा होता है इसलिए मैंने आधा कटोरी डाला चीनी। और इसमें हम 1 कप मैंने यहाँ दूध लिया है और इसमें हम थोड़ा आधा डालेंगे। अगर कम लगेगा तो हम पूरे 1 कप डालेंगे और इसे हम फिर से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल मैंने महीन इसे पीस लिया है। यहाँ पर मैंने बॉल लिया है। अब मैं इसमें इस घोल को डाल देती हूँ। ये देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह का हमें घोल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। घी डालने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इसे भी जब भी केक बनाते हैं बिस्किट के तो आप घी इसमें डाला करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो केक है जो फूल जाता है, अगर आप नहीं डालेंगे तो ये नहीं फूलेगा। सॉफ्ट तो होगा लेकिन ये फूलेगा नहीं। तब तो ये हमारा घोल है जो बिस्किट का तैयार हो गया। पकाने के लिए मैंने इस तरह का बर्तन लिया है और मैंने घर पर ही इस तरह का बटर पेपर, देखिए जिस भी आप बर्तन में केक बनाते हैं उसका इस तरह से नाप, ये प्लेन पेज को आप इस तरह से नाप लेकर और उसे गोल सर्कल में काट ले, आसानी से घर पर आपका बटर पेपर तैयार हो जाएगा। और इसे हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाल ले रही हूँ और अच्छे से इसे हम मिला लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो ब्रश से आप मिला सकते हैं। और सेम मैंने बटर पेपर पर भी इस तरह का तेल लगा लिया है और इसे हम इस तरह से अंदर डाल लेते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा हम मैदा को फैला लेते हैं चारों तरफ ताकि केक है जो पकने के बाद आसानी से निकल जाए। और एक्स्ट्रा मैदा है जो आप इसे इससे से निकाल सकते हैं चारों तरफ से घुमा घुमा कर। हो गया है काट। अब हम इसमें बिस्किट का घोल को डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे घोल को रख दिया है और इधर मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो कढ़ाई भी हमारा गर्म गर्म हो गया है। तब हम इसे ढक्कन हटा लेते हैं और इसमें हम 1 प्लेट रखेंगे उल्टा करके इस तरह से, और इसके ऊपर हम केक का बर्तन को रख देते हैं। ऐसे हमें 25 से 30 मिनट तक ला धीमी गैस पर पकने के लिए ढक देते हैं। तीस मिनट हो गया है
और हमारा केक भी पक गया है। तब मैं ढक्कन हटा लेती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ही पक गया है। तो इसे हम चाकू से देख लेते हैं कि अंदर तक ये पका है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ही अंदर तक पक गया है। तब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 डेयरी मिल्क का चॉकलेट लिया है, और यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है। दूध ठंडा या गर्म कोई भी आप ले सकते हैं। और चॉकलेट के हम इसमें तोड़कर डाल देते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ बॉर्नविटा डाला है। बॉर्नविटा की जगह आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बॉर्नविटा डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। ऐसे हमें डायरेक्ट नहीं पकाना है। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए एक बर्तन में रख दिया है। अब इस बर्तन को हम इस पानी में डाल देंगे, और इसी तरह हमें ये चॉकलेट को मेल्ट करके पकाना है। यहाँ पर चॉकलेट है जो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इस बर्तन को हम निकाल लेते हैं। और यहाँ हमारा केक भी गर्म ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही आराम से निकल जाता है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए, बहुत ही आराम से निकल गया है। देखने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है। तब हम केक को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने चॉकलेट का बनाया है उसके ऊपर से हम डाल देते हैं, चारों तरफ से फैला ले। और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे चारों तरफ से फैला लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जेम्स चॉकलेट लिया है और उसे हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे गार्निशिंग कर लिया है। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो मार्केट से अच्छे घर पर आप बनाकर चॉकलेट केक खा सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।